मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 तारीख तक यानी 10 मार्च तक बुलडोजर रिपेयरिंग में जा रहा है और उसके बाद वो तेजी से चलेगा। और तस्वीर देखिए, ये लखनऊ है, राजधानी लखनऊ में फहद याजदान की संपत्ति है। फहद बिल्डर्स के नाम पर यह अपार्टमेंट बनाया गया और इसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है और इस अपार्टमेंट को कई बार नोटिस दिया गया और आज इस पर कार्रवाई हुई है। हालांकि याजदान बिल्डर्स का दावा है कि प्रशासन ने नोटिस नहीं दिया है और ये मामला सब जुडिश है, कोर्ट में चल रहा है, कागजात दिखाकर के ये दावा किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन ने साफ कहा है कि जो नोटिस दिया गया था उस नोटिस पर कोई जवाब नहीं आया और ये पूरी तरीके से अवैध निर्माण है, इस वजह से इसको गिराया जा रहा है बुलडोजर लगा करके। अब इसमें जो फहद याजदान है वो बसपा के नेता हैं, बिजनौर के बरहापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और उनके भाई फहीम याजदान, उन्होंने ही ये बनवाया था। हालांकि दोनों भाई एक प्रॉपर्टी जो बिल्डर्स का फर्म है वो चलाते हैं। तो देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं और ये सिर्फ अकेले लखनऊ के इस याजदान बिल्डर्स पर संपत्ति पे कार्रवाई नहीं हुई है बल्कि अतीक अहमद के समेत प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिन जिलों में इसी तरीके से लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है और सरकार जो चुनावी मुद्दा बन गया था बुलडोजर उसको फिर से यहाँ पर दिखा रही है कि जो सरकार यानी योगी सरकार 2 है उस सरकार में भी बुलडोजर रुकेगा नहीं बल्कि लगातार इसी तरीके से जो माफिया है, अवैध निर्माण है, उसको खाली कराया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। देखिए मैं वकील से बात कराता हूँ। वकील साहब क्या नाम है आप? मेरा नाम आसिफ रिजवी है। रिजवी साहब ये बताइए, ये जो निर्माण अभी गिराया जा रहा है इस पर आपका क्या स्टैंड? देखिए ये जो निर्माण गिराया जा रहा है ये ऑलरेडी माननीय न्यायालय के अंदर ये विचाराधीन है। इस कोर्ट देखिए ये हमने शासन में अपील करी थी, शासन की अपील हमारी पेंडिंग थी और जब एकदम से रात में आ गई ये जो लोग यहाँ पर रहे। इस कोर्ट में पेंडिंग है, मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको, कल से पहले था कि शासन में पेंडिंग थी और अभी भी पेंडिंग है जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन बिल्डर को नहीं मिली। उसके बाद जब कल रात में ये आ गया जो यहाँ पे आप ये ऑफिस देख रहे हैं सामने, इस ऑफिस में जो लोग बैठे थे इनसे कहा कि ये रूम खाली करिए, ये हम तोड़ेंगे, तो इसके खिलाफ ये सुबह मॉर्निंग में ऑनरेबल, मैं नहीं जानता हूँ, ये ऑनरेबल हाईकोर्ट में गए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि जब सेशन में अपील ऑलरेडी पेंडिंग है तो इसको हम अभी इमीडिएट सुनेंगे, जिसके लिए हमारे रजिस्ट्रार ने इसको आज ही हेयरिंग के लिए लगा दिया है। तो आप ये कह रहे हैं कि आज आपने पिटीशन डाली है? हमारा जो अपील है, देखिए नियम क्या कहता है कि आपको पहले अपील करनी पड़ेगी। तो देखिए ये वकील है, इनका दावा है और ये अभी ख्याल की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे फिलहाल बुलडोजर चल रहा है और जो पुलिस बड़ी संख्या में लगी हुई है तो देखना होगा कि क्या होगा। कई ऐसे लोग हैं जिनके मकान इस अपार्टमेंट में थे, उनका क्या कहना जानने। भाई साहब क्या नाम? मेरा नाम है भैया डॉक्टर मतीन अहमद, निवासी बाराबंकी, 7 विकास भवन रोड बाराबंकी। कितने फ्लैट थे आप? इसमें मेरे बेटे ने और बहू ने एक एक फ्लैट लिया, रजिस्ट्री करा ली अपने अपने नाम, ठीक है भैया, लगभग 1.5-2 साल पहले। और जब आते थे ये लोग किराए के मकान में, मेरा भैया ये रह रहा है यहाँ किराए के मकान में, और इनसे कहते थे हम किराए के मकान में रहे, जल्दी कंप्लीट करके दो, वो बस हो जाएगा। जब आते यहाँ मिलते, मैं खुद स्वयं कई बार आया, वो लोग मिलते नहीं थे, कभी मिले ही नहीं। कितना पैसा दिया था? हमने भैया रजिस्ट्री कराई है लगभग 35-35 लाख रुपए की। 70 लाख रुपए आपने? 2 फ्लैट? 3 फ्लैट। 3 मतलब 1 करोड़ लिया, 1.5 करोड़। तो 3 फ्लैट लिया आपने, अब आपका क्या भविष्य है? तो क्योंकि हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई की योगी जी ने उचित की, इलीगल थी तो गिराया, लेकिन इलीगल के साथ साथ जो इसका पार्ट है जो वो अपने लिए बना रहा वो क्यों नहीं गिरा रहे हैं? वो बगल में जो बन रहा उसको गिरवाइए, कहिए वो क्यों नहीं गिराया जा रहा है, उसको भी तो गिराइए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनको अरेस्ट कीजिए और बाकी लोगों के इन्वेस्टर का पैसा दिलाया जाए। कितने फ्लैट है टोटल? लगभग हमने गिने नहीं भैया, 1 फ्लोर पे कितने हैं पता कीजिए, ये तो 7 फ्लोर है बस, हमें ये दिख रहा है होगा, 1 फ्लोर पे लगता है 8-9 फ्लैट। मुख्यमंत्री जी शिकायत करेंगे? हाँ करेंगे, अवश्य करेंगे, मिलेंगे योगी जी से, मिलेंगे अवश्य मिलेंगे, शिकायत। बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये इन्होंने अपने बेटे के नाम पे, छोटे बेटे के नाम पे, बहू के नाम पे 3 फ्लैट्स लिए, 1 फ्लैट की कीमत लगभग 35 लाख रुपए, यानी 1.5 करोड़ रुपए के 3 फ्लैट्स इस याजदान बिल्डर्स के अपार्टमेंट में लिए और अब ये पूरा अपार्टमेंट ध्वस्त होने जा रहा है। ऐसे में जो यहाँ पर मकान लेने वाले लोग हैं वो पशुपेश में हैं कि आखिर उनका पैसा कैसे निकलेगा, अगर ये अवैध था तो ये बना कैसे, और अगर ये बना तो अब वो जाएं तो जाएं कहाँ। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।